हमारे साथ जतिन भी जुड़ गए हैं। जतिन, दिल्ली में क्या आपको कुछ पता लगा कि आखिरकार इससे कोई नुकसान हुआ हो या लोगों ने झटके महसूस किया हो, लोगों के अंदर दहशत हो? खबर तो ये आ रही कि लोग दहशत में हैं। जी देखिए, तकरीबन 30 सेकंड बताया जा रहा है कि 30 सेकंड तक जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए गए हैं और रिएक्टर स्केल की बात करें तो 5.8 है। हालांकि दिल्ली पुलिस और फायर को अभी तक किसी भी नुकसान की जानकारी नहीं मिली है और किसी भी तरीके की दुर्घटना होने की जानकारी अभी तक सामने नहीं है, लेकिन 5.8 एक काफी गंभीर स्केल है। और जितने लोगों से हम बात कर रहे हैं जो कि मार्केट में इस वक्त है, शॉप्स में इस वक्त मौजूद थे, उनका ये कहना है कि उनको महसूस तो हुआ, जिसके बाद लोग अपनी दुकानों से बाहर भी बिल्कुल है, लेकिन 30 सेकंड का समय बताया जा रहा है। एपिक सेंटर इसका नेपाल के आसपास बताया जा रहा है, लेकिन अभी क्लियरिटी नहीं है। कुछ देर में इन तमाम चीजों को लेकर, एपिक सेंटर को लेकर क्लियरिटी सामने आ जाएगी, लेकिन 5.8 है। और दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो अभी तक किसी, जितिन आपको बता दें इसका एपिक सेंटर जो अभी अभी पता लगा है, क्योंकि गोनिका से बातचीत हो रही थी, इसका एपिक सेंटर नेपाल में आया है और यही वजह की दिल्ली में इसके झटके महसूस किए गए हैं, क्योंकि आप सिविक सेंटर में मौजूद है, एक हाई राइज बिल्डिंग है। क्या यहाँ पर आप लोगों को या फिर जो बिल्डिंग में मौजूद है उन्होंने कुछ महसूस किया? जी देखिए, सिविक सेंटर की अगर हम बात करें तो एक तरीके से काफी सेफ बिल्डिंग है। जिस समय इसको बनाया गया था तो इसकी कंस्ट्रक्शन इस तरीके से कि भूकंप का 8.8 तक ये भूकंप को झेल सकता है। तो हालांकि यहां पर तो किसी को महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे हमें पता लगा तो हम यहां से थोड़ा बाहर निकले थे, क्योंकि पुरानी दिल्ली का यह पूरा इलाका है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास की जगह है, तो वहां पर कुछ लोगों ने महसूस बिल्कुल किया। वो लोग अपनी दुकानों से बाहर है, क्योंकि रोड साइड काफी दुकानें यहां पर लगती है, तो उन लोगों को थोड़ा वाइब्रेशन बिल्कुल महसूस हुआ। और दिल्ली एनसीआर और जिस तरीके से नेपाल इसका एपिक सेंटर बताया जा रहा है, तो उत्तर भारत में खासतौर पर जो इलाके हैं, चाहे वो यूपी के कुछ इलाके हैं, वहां पर जो भूकंप के झटके जो महसूस किए गए हैं। हालांकि पिछले दिनों से अगर हम तुलना करेंगे तो इस तरीके की घटनाएं भूकंप को लेकर काफी फ्लुएंट इन दिनों देखने को मिल रही है। अब से 4 हफ्ते पहले भी इस तरीके के भूकंप के झटके दिल्ली के अंदर महसूस किए गए हैं। हालांकि दिल्ली फायर सर्विस और दिल्ली पुलिस की अगर हम बात करते हैं तो उनको अभी तक कोई भी इमरजेंसी कॉल इन झटकों के संभवतः अभी तक नहीं, लेकिन 30 सेकंड बताया जा रहा है कि 30 सेकंड तक लोगों ने महसूस किया। और खासतौर पर इस पूरे नई दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों की बात करते हैं तो काफी भीड़भाड़ वाला ये इलाका रहता है। हालांकि लोगों में अभी इस बात की जानकारी बेहद कम है, और जिन लोगों ने महसूस किया, क्योंकि 30 सेकंड का समय था उनके पास, वो लोग अपनी दुकान के बाहर है और जब तक वो समझ पाते तब तक चीजें सामान्य होती भी नजर आई, लेकिन 5.8 जो इसका पैमाना है जो मापा जा रहा है। हालांकि लोगों में कोई पैनिक जैसी सिचुएशन अभी नहीं आई है, लेकिन जैसे जैसे और जानकारी सामने आएगी, क्योंकि हमने फायर से चेक किया, हमने दिल्ली पुलिस की 112 इमरजेंसी लैंडलाइन चेक किया, तो वहां पर किसी भी तरीके के डैमेज या कोई भी इमरजेंसी कॉल अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन को रिसीव नहीं हुई है। जी तो बिल्कुल जतिन, जैसा कि आपने बताया कि फायर सर्विस को या फिर किसी भी इमरजेंसी सर्विस को कोई भी इस तरह की शिकायत नहीं मिली है कि कोई नुकसान हुआ है, तो अच्छी बात है। लेकिन जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि जो ये एपिसेंटर है, जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं दिल्ली एनसीआर में, इसका एपिसेंटर नेपाल में था, और नेपाल में आप जानते हैं कि कुछ साल पहले ही नेपाल में एक भयानक भूकंप आया था जिसमें नेपाल के कई शहर तबाह हो गए थे, खासतौर पर काठमांडू में भी काफी तबाही हुई थी। और नेपाल में भूकंप के आने का या भूकंप के केंद्र होने का सबसे बड़ी वजह यह है कि नेपाल जो है वो तलहटी पर बसा हुआ है हिमालय के, साथ ही साथ क्योंकि हिमालय का जो पूरा का पूरा इलाका है इसे नई पहाड़ियां कहा जाता है, या फिर ये न्यू माउंटेन सिस्टम है जो लगातार जो इंडियन प्लेट है तिब्बतन प्लेट के साथ टकराने के बाद लगातार ऊपर उठता जा रहा है। इसी वजह से जब भी वहां पर टेंशन रिलीज होता है या फिर घर्षण पैदा होती है तो इस पूरे इलाके में भूकंप आ जाता है। जतिन, आपके पास कुछ और जानकारी है इस बारे में क्या, जो यहाँ पर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है भारत के, वहां से कुछ जानकारी आई हो? जी देखिए, अभी तभी एनालाइज किया जा रहा है कि इस जो भूकंप है उसकी डेप्थ कितनी थी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और खास तौर पर अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली जोन 5 के अंदर आती है, तो इस स्थिति में देखिए कि अगर दिल्ली में भूकंप के झटके आते हैं और उसका रिएक्टर स्केल अगर ज्यादा हो तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। क्योंकि अगर आप ईस्ट दिल्ली की बात करें तो यमुना के आसपास के जो इलाके हैं वो जोन 5 के अंदर आते हैं, और भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील और गंभीर ये इलाके हो जाते हैं। हालांकि अभी तक किसी भी तरीके की इमरजेंसी कॉल की जानकारी इन इलाकों से भी नहीं आई है, लेकिन जब भी भूकंप के झटकों की बात करें या भूकंप आने की बात करें तो दिल्ली को हमेशा ही बहुत क्रूशियल स्टेज पर आका जाता है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली का बसाव हुआ है, दिल्ली में जनसंख्या बहुत ज्यादा है और जो इलाके यमुना के बेहद नजदीक बसे हुए हैं जिनको मेट डिपार्टमेंट भी जोन 5 में रखता है, तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर यहां पर एक रिएक्टर स्केल अगर भूकंप का बहुत ज्यादा हो तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि आपने जिक्र किया कि दिल्ली की आबादी कैसी है, हम सब जानते हैं कि दिल्ली में कितने घनत्व यानी कि जो
डेंसिटी बहुत ज्यादा है और यहाँ पर हमने देखा है कि जो मकानों का स्ट्रक्चर है उसको देख के डर लगता है। कई सारे ऐसे इलाके हैं बहुत तंग गलियां होती हैं, खुदा ना खास्ता दिल्ली में अगर इस तरह के भूकंप आए तो यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर नुकसान हो सकता है। सिविक सेंटर में आप मौजूद है, कभी भी एमसीडी के अंदर या फिर जो नए पार्षद आए कभी उनके अंदर यह चिंता है कि क्या वो कोशिश करेंगे कि दिल्ली में जो मकान है या दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनको किसी भी तरह से और किस तरह से वो अर्थक्वेक प्रूफ बना सकते हैं, हालांकि अब जो मकान बन चुके हैं उनको आप कैसे करेंगे और साथ ही साथ लोगों के अंदर अवेयरनेस कैसे पैदा करेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और दिल्ली की अगर हम बात करें तो इंक्रोचमेंट उससे भी बड़ा मुद्दा है और दिल्ली में ऐसी स्थिति होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि दिल्ली में जगह जगह इंक्रोचमेंट हुआ, जहां पर सिर्फ ढाई मंजिला मकान बनने की परमिशन थी वहां पर आज। अच्छा जतिन, आपको रोकना चाहते हैं, हम जरा एपिसेंटर दिखा देते हैं। एपिसेंटर नेपाल में है, ओरिजिन टाइम यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर 24 तारीख का डेट है और 14:28:31 इसका मतलब होता है 2:28:31 लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड यहाँ पर बिल्कुल दिया गया है और जो डेप्थ यानी कि 10 किलोमीटर जमीन के नीचे ये एपिसेंटर इसका है और 5.8 मैग्नीट्यूड इसका रहा है और अभी तक देखना है कि आखिरकार नेपाल में जहाँ पर ये केंद्र रहा है भूकंप का केंद्र वहाँ पर आखिरकार किस तरह के हालात हो सकते हैं। लेकिन जो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जहाँ पर भूकंप आया तो पंखे हिल रहे थे, तो यही वजह थी कि लोग दहशत में आ गए और जैसा कि जतिन भी बता रहे थे कि जो शॉप ओनर्स से कई शॉप ओनर्स ने जब महसूस किया तो दुकानों से बाहर निकल कर आ गए। और दिल्ली में इसका खतरा हमेशा इसलिए रहता है क्योंकि दिल्ली में बहुत कंजस्टेड इलाके हैं जहाँ पर एक के साथ दूसरे मकान सटे रहते हैं, एक मकान की दीवार दूसरे मकान की दीवार के साथ सटी रहती हैं, गलियाँ बहुत तंग हैं और यहाँ पर जब भी इस तरह के झटके महसूस किए जाएंगे लोगों के लिए बाहर आना और किसी सेफ जगह पे पहुंचना बहुत बड़ी दिक्कत बन सकती है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि जो एमसीडी है या फिर जो यहां पर सरकार है उन्हें अर्थक्वेक मैनेजमेंट या लोगों के अंदर ये अवेयरनेस पैदा करना होगा कि जो मकान बनाते हैं उसे अर्थक्वेक प्रूफ बनाएं और साथ ही साथ कभी अगर 5.8 आप समझ सकते हैं कि भले नेपाल में सब केंद्र था इसलिए दिल्ली में नुकसान की गुंजाइश कम हुई है, लेकिन अगर यही मैग्नीट्यूड दिल्ली में रहे तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है क्योंकि 5.8 लगभग आप 6 पकड़ लीजिए और 6 से 7 या 7 से 8 जो भी मैग्नीट्यूड होता है इसे बहुत ही ज़्यादा खतरा माना जाता है, खतरनाक माना जाता है। तो रिक्टर स्केल के तहत यानी जो भूकंप के तीव्रता को मापी गई है वो 5.8 निकला है, जमीन से करीब 10 किलोमीटर नीचे यानी जमीन से 10 किलोमीटर नीचे इसका सेंटर रहा है और इसका एपिसेंटर यानी कि जो केंद्र है भूकंप का वो नेपाल में है और नेपाल एक बहुत ही सेंसिटिव आप कह सकते हैं कि इलाका है जहां पर अक्सर इस तरह के भूकंप के झटके आते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह एक ही है क्योंकि नेपाल उत्तराखंड ये जो पूरा आप देख रहे हैं जो इलाके पड़ते हैं ये हिमालय के तलहटी में बसे हुए हैं या फिर हिमालय के साथ बसे हुए हैं और हिमालय का जो पूरा का पूरा है वो सिस्मिक जोन 5+ में आता है और 4 के ऊपर यानी 5 कोई भी अगर सिस्मिक जोन है उसे बहुत ही संवेदनशील या फिर कह सकते हैं खतरनाक माना जाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।